हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रियल नंबर, अब बोल रहे दे दो हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 एंड 1.4, ये हमने लगभग हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब इसके आगे 1.5 भी है, 1.6 भी है, 1.7 भी है। तो जैसा इस बार कोविड-19 डिजीज चल रही है उसके अगर गवर्नमेंट में भी पॉसिबल कुछ एक्सरसाइज रिमेंड भी कर सकती है, इसलिए अभी हम इन एक्सरसाइज को क्या करते हैं रिमेंड करते हैं इनको। जब अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन आएगी तब हम इनको वापस क्या करें स्टार्ट करके सेटअप कर लेंगे। तब तक हमने वन एक्सरसाइज कहाँ तक कम्प्लीट की 1.4 तक। तो हम प्रीवियस अब नेक्स्ट पढ़ते आगे, तो हमारा नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज नंबर 2। इस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वापस हम पढ़ेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2 है। अब पॉलीनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम बेसिक्स वापस रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज जब फैक्टर किए थे तो हमने इस पर एक्सरसाइज हमने की थी जिसका आपको दिखाना पड़ गया प्राइम फैक्टर, यानी फैक्टर में था आपको सॉल्व करना था, जिसमें हमने पढ़ा था इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, कोएफिशिएंट्स भी होते हैं, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज पॉलीनोमियल, हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे आपके सिंपल फार्मूला भी था ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगेन वापस माइनस का भी था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बेसिक फार्मूला अलजेब्रिक इक्वेशन का बेसिक फार्मूला कुछ लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं जिसे हम अंडरस्टैंड जानते हैं। उसके आगे वापस बेसिक पढ़े इस बार पॉलीनोमियल की, तो इस बार पॉलीनोमियल को थोड़े से अलग लेवल से हम पढ़ेंगे जिसमें बेसिक जानेंगे पॉलीनोमियल आखिर क्या, जिसमें वेरिएबल आएंगे वो सीरीज सीक्वेंस क्या होगी ऑलवेज पॉलीनोमियल होगी। लाइक दैट अगर एक्स प्लस वन कहेंगे तो वो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस वन कहेंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीनोमियल बाइनोमियल कहलाएगी, और वापस अगर इसमें पावर बढ़ती जाएगी वो क्या हो जाएगी क्यूबिक हो जाएगी। यानी कि बेसिक्स जो हमने पॉलीनोमियल पढ़ी है उनको जस्ट रिकॉल करते हुए वापस हम एक्सरसाइज करेंगे इस बार में। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, अब वापस कुछ रिकॉल करना पॉइंट होते हैं जिसको हम समझेंगे, जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होता कि पॉलीनोमियल कोई नई समस्या तो नहीं है। पॉलीनोमियल सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट आता है मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशन में, वो आपको कौन सी आती है पॉलीनोमियल, बस कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे एक सिंपल आप लिखते हैं एग्जांपल में टर्म, जैसे सपोज करें x लिखा मैंने, तो 4x लिखा, ये 4 x के 4 क्या हो गया इसका कोएफिशिएंट हो गया, मींस यानी किसी भी अलजेब्रिक डिजिट जो आपके न्यूमेरिकल डिजिट लिखी जाएगी वो उसकी क्या कहलाती है कोएफिशिएंट्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में लर्न किया हुआ है, और वापस हमने कुछ प्रीवियस क्लास की रिकॉल करें तो लीनियर एक्सरसाइज क्या बनती थी लीनियर में, मींस 4x 5/1 6x, ये हमने बेसिक्स की क्या पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर लीनियर x - y - z, तो ये सब क्या होते थे हमारे लीनियर इक्वेशंस होते थे जिसको हम लास्ट इजीली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, ये बेसिक्स लीनियर हमने पढ़े थे, उसी प्रकार हमने कुछ पढ़े थे क्वाड्रिक, तो क्वाड्रिक का मींस होता है जिसकी पावर ऊपर क्या जाती है 2, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, तो ये जिसमें पावर 2 जाएगी वो सब आपकी क्या कहलाती है क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। आई समझ गए ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे जो क्लास में पढ़ चुके थे, और वापस पढ़ा लाइक टर्म डिसलाइक टर्म, लाइक दैट एक्स वाई एंड वाई एक्स, ये दोनों क्या हो जाएगी लाइक एंड डिसलाइक, बोथ आर डिसलाइक, क्यों क्योंकि यहां पर एक्स वाई और यहां पर क्या है वाई एक्स है, अगर हमारे पास 4x वाई एंड 3x वाई होंगे तो बोथ आर स्लाइक टर्म। ठीक है, ये हमने बेसिक क्लास में चीजों को पढ़ चुके हैं, डिग्री भी पढ़ी थी हमने, तो डिग्री हमने स्क्वायर पढ़ी क्यूब पढ़ी, तो ये बेसिक डिग्री हमने लास्ट ईयर भी पढ़ चुकी थी, हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम लास्ट ईयर इजीली पढ़ चुके हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है जिसके ऊपर पावर जिसकी डिग्री कितनी जाएगी अलग अलग टर्म में काउंट होगी। ठीक है, ये बेसिक डिग्री हम लास्ट ईयर पढ़ चुके थे, वापस हम कुछ सेटअप देखें वापस लीनियर। अब इसमें आपको बेसिक डाउट नहीं होगा कि लीनियर कौन सी होती है क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, लीनियर मीन्स सिंपल सिंपल डिजिट आएगी वो आपकी लीनियर कहलाती है, जिसमें आपके पास पावर आएगी वो आपकी क्या कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब उसके आगे बेसिक्स जो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 है सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2 ए है वो आपकी जस्ट थ्योरेटिकल है, मींस थ्योरेटिकल मतलब आपको ये से हम बताना है पॉलीनोमियल है या नहीं है लीनियर है या नहीं है, और आवश्यक चेक करना है कि उसका कोएफिशिएंट्स क्या है उसकी डिग्री क्या है उसकी पावर क्या है। तो जस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 है वो हम जस्ट कुछ आप अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें आपको जस्ट थ्योरेटिकल आपको रिप्लाई में आपको आंसर फिल करना है। तो जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इसमें जस्ट थ्योरेटिकल स्टेप्स को मैथमेटिकल समझ सकते हैं, जस्ट आपको समझा रहा आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉसिबल इन द वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, अब इसमें पता नहीं कौन से वन वेरिएबल है कौन से नहीं है। जैसे फर्स्ट वाला है तो पॉलीनोमियल बनेगी और इसमें वन वेरिएबल है, क्यों पीछे से प्लस सेवन दिख रहा है आपको ये, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है पीछे वन वेरिएबल दिख रहा है, क्योंकि जिसमें लास्ट वाला डिजिट जैसे 4x² प्लस माइनस 3x और प्लस 7 देते हैं, प्लस 7 क्या है इसमें वन वेरिएबल है ये, इसे हम क्या कहते हैं वन वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। और वापस क्वेश्चन नंबर सेकंड है पोटेंशियल पॉलीनोमियल होगी और वन वापस √2 क्या है इसका मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें दोनों क्या दे रखी है पावर रूट में दे रखी है, तो ऐसे क्या होगी पॉलीनोमियल सीरीज कभी भी नहीं बनती, इसलिए क्या हो जाएगा क्रॉस। फोर्थ भी क्या बन जाएगा क्रॉस, क्योंकि दोनों इसमें क्या दे रखी है रास्ता नंबर दे रखी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या बनेंगे पॉलीनोमियल बनेगी बट 3 वेरिएबल है, मींस x पावर 10 y की पावर 3 एंड t की पावर 50, सब में पावर दे रखी है तो वो सब क्या बनेंगे अलग अलग वेरिएबल बनेंगे, तो इसके अपने आपके पॉलीनोमियल 3 पावर बन जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें आपको x² का कोएफिशिएंट निकालना है, जो हमने बात की थी x का कोएफिशिएंट कितना होगा 4, तो ये आप क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको साइन बायनोमियल डिग्री लगानी है, चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलीनोमियल, जैसे 5x³ है तो x पावर कितनी आ गई 3, तो आपको आंसर देख के लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, जिसकी पावर क्यूब वो क्यूबिक हो जाएगी, जिसकी कोई पावर नहीं वो लीनियर हो जाएगी, और जिसमें पावर 2 आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम इसकी पॉलीनोमियल की ऑरल एक्सरसाइज में करते हैं, ये आपकी पूरी पूरी क्या दे रखी है ऑरल एक्सरसाइज दे रखी है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जिसमें आपको x³ की पावर बतानी है, तो जो जो आप x³ की पावर आपको दिख जाए वो आपको इसमें कोएफिशिएंट ढूंढना है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है कौन सी नहीं है, तो जिसकी इक्वेशन बन जाए जैसे फर्स्ट है x माइनस 1 x प्लस 1 है, तो a² माइनस b² होती है, तो पॉलीनोमियल कभी भी नहीं बन सकती है क्वाड्रेटिक बनती है। फिर इक्वेशन 2 है वो आपकी रास्ता नंबर दे रखी है वो भी कभी नहीं बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको पावर दे रखी है और सिंबल दे रखे आपको ये क्या बन सकती है क्यों पॉलीनोमियल सीरीज बन सकती है। अब उसी प्रकार बाकी बात सेल्फ चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम आपको डिग्री सेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है तो ये आपको केवल मोनोमियल बायनोमियल और ट्राइनोमियल की पावर 2, यानी कि फर्स्ट वाला है वो आपको क्या है 2 डिजिट है, बायनोमियल यानी कि 1 प्लस के साथ 1 टर्म और 2 टर्म है वो क्या कहलाएगा बायनोमियल, जिसके पास x 3 पावर टर्म है वो क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल, जैसे कि आपके पास x³ 2x प्लस x ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है आपको 3 टर्म x की वो ट्राइनोमियल। और वापस से आपके पास है थर्ड भी दो भी क्या होगा आपका ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका बायनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 5 मोनोमियल है क्योंकि 3 दे रखा है उसमें कुछ है भी नहीं। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी इजीली देख के उनको कर सकते हैं। फिर आपके मेन क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 में, जिसमें आप देखेंगे पॉलीनोमियल 0 फाइंड आउट करना पावर ऑफ 0 जिसमें वैल्यू का पुट अप करनी होती है, जैसे कि ये जो छोटी सी एक्सरसाइज है इसको जस्ट एग्जांपल देखते हैं, बाकी मैंने अच्छे से अगली बार करेंगे क्योंकि इसकी एक्सरसाइज केवल 5-6 क्वेश्चन है और वापस नेक्स्ट जो है वो डिवाइड मेथड है उनके हम एक साथ ही करेंगे। जैसे कोई इक्वेशन होती है उसमें आप 0 पुट अप कैसे करके आंसर निकालते हैं जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं, बाकी वाला आप ट्राई करना सेल्फ ताकि आप भी थोड़ा समझ सकें। जैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसको जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज है वो जस्ट ओरल है जिसमें कुछ करने की कॉन्सेप्ट आस पास में है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर एक्सरसाइज सेकंड बी है वो जस्ट बेसिक स्टार्ट करते हैं, आगे आप जितने कर पाएंगे उतने आप करने की ट्राई करें। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3, अब इसमें आपको एक्सरसाइज दे रखी है 3 x इक्वल टू 0 रखना है, x इक्वल टू माइनस 1 रखना है और x इक्वल टू 2 रखना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, जब आप इसमें क्वेश्चन रख के पुट अप कर दें तो आपकी वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है, तो जस्ट सिंपल है कि आप इसमें x वैल्यू क्या पुट अप करना है 0 पुट अप करना है, तो जस्ट इससे पुट अप करके देखते हैं इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है। x 0 पुट अप की 5 * 0 हो जाएगा माइनस 4 0 की पावर 2 प्लस 3, तो 5 * 0 कितना आपके पास में 0 माइनस 4 यहां पे 0 हो जाएगा और प्लस 3 आपके पास कितना आएगा इसमें 3 आएगा। यदि इस इक्वेशन x की वैल्यू 0 पुट अप करें आपके पास आंसर कितना मिलेगा 3। नेक्स्ट x पावर 1 पुट अप करें 5 * x
5 इनटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो आप ऐसे लिखते हैं 5 इनटू 1 माइनस के 5 माइनस 1 इनटू 1 1 ही होगा बट प्लस हो जाएगा तो हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस 4 माइनस 5 कितना होगा माइनस के 9 प्लस 3 आप ऐसे कितना बनेगा यहां पर माइनस के 6। यानी सब में आप ऐसे क्या आएगा डिफरेंस आएगा। लेट्स चेक 2 से करें तो 2 से हम यहां पर करेंगे तो आप ऐसे क्या बनेगा 5 इनटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा स्क्वायर 4 तो 4 4 8 4 4 16 प्लस 3 तो 6 में से 10 जाएंगे कितना बचेंगे 6 में से 13 गए तो माइनस के 3 इसका आंसर कितना आएगा माइनस के। सब में आपके डिजिट क्या रहेंगे अलग अलग। यही है कि किसी भी पॉलीनोमियल में अगर x की वैल्यू पुट अप की जाए जीरो से फाइंड आउट की जाए तो उसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं। आपके एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है वो इसी बेस पर दे रखी है जिसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पुट अप किया है तो आपके क्वेश्चन नंबर 2nd जो पीके वाले 0 1 2 इनको पुट अप करना है फिर क्वेश्चन नंबर 3rd वेरीफाई करना है जिसमें आप अलग अलग करके क्या क्या डिजिट पुट अप कर सकते हैं। यानी कि वेरीफाई वेदर जिसने आपको वैल्यू दे रखी है उसी पर उसको पुट अप करना है। पीछे एक्स की वैल्यू दे रखी है आगे क्वेश्चन देखेंगे आपको क्वेश्चन को पुट अप करके करेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर जो इसमें मोस्ट ऑफ द जो है वो आपके 1 2 3 4 है 5 फिल ब्लैंक करने जरूरत नहीं है 6 की और कंडीशन चेक करनी है 7 में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है और 8 है जो आपको केवल इंडिकेट करना है। तो ये बेसिक्स एक्सरसाइज सेकंड 2.2 है जो आपके इसी बेस इसी मेथड पर आपको क्या करना है फाइंड आउट जीरो करना है जीरो की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या करें पॉलीनोमियल पुट अप करें आंसर चेक कर आपके सब क्या मिलेंगे अलग अलग मिलेंगे। आपके एक्सरसाइज 2.2 है जो इसी बेस पर क्या होती है फिनिश होती है। आगे बात बेसिक करेंगे जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम आएगा जो आपके एक्सरसाइज 2.3 होगी जिसमें हम पॉलीनोमियल क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आज हमने बेसिक्स कौन से पॉलीनोमियल के क्या क्या पढ़े पॉलीनोमियल आखिरकार क्या क्या डिजिट होती है पॉलीनोमियल हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और पॉलीनोमियल से इक्वेशन को कैसे सेटअप करके उसकी वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो हमारे पॉलीनोमियल 2.1 एंड 2.2 आपके प्रैक्टिकल करने के लिए कॉपी में इसमें से मोस्ट ऑफ द आप जो जो एवरी इस 10 क्वेश्चन से 10 से आप 2 टू 3 आप इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको सारे करने की जरूरत नहीं है और इसमें आपके तो इसमें आपको जो ट्रू फॉल्स फिल द ब्लैंक है वो आपको नहीं करने अदरवाइज आपको इस एक्सरसाइज में से लगभग सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 2.2 इसी के साथ कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।